वेलकम टू माय चैनल जनरेटर वाला। होंडा का GX35 इंजन आता है और ये देखिए GX35 कॉपी इंजन है, बिल्कुल सेम टू सेम होंडा जैसा लगेगा। देखिए पूरा देखिए, जैसे सेम टू सेम हर चीज़ होंडा जैसी थी, बॉडी फ्रेम साइज। इसमें स्टिकर लगा देते हैं, होंडा स्टिकर लगा देते हैं, आपको बताते हैं होंडा का GX35 इंजन है, बल्कि ये चाइनीज इंजन है पूरा। सब कुछ जैसे होंडा स्टिकर जैसे फोर स्ट्रोक लिखा था, फोर स्ट्रोक रहेगा लेकिन इंजन चाइनीज होगा। जैसे ये चाइनीज इंजन है इसका, इंजन में यहाँ पे होंडा लिखा रहता है। ओरिजिनल पे देखिए मार्किंग होती है, ये लोकल है, ये लोकल है। देखिए हम कोई मार्किंग जब भी होंडा लेंगे यहाँ पे इसकी बॉडी पे होंडा की लिखा रहेगा, मतलब ओरिजिनल है वो। अभी आपका इसका ओरिजिनल इंजन भी दिखाएंगे, ओरिजिनल कैसा। ये देखिए इंजनों में देखिए दोनों सेम इंजन दिख रहे हैं होंडा के, लेकिन इसमें फर्क बताया कैसे पकड़ा जाए कि ये ओरिजिनल है कि लोकल है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए ब्लॉक है, ये ब्लॉक होता है जैसे जो इंजन को ब्लॉक कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ ये ओरिजिनल ब्लॉक है, तो यहाँ होंडा GX35 की मार्किंग लिखी हुई है, ठीक है। और ये लोकल है, ये लोकल है जो आपको बता रहे 12-13 हज़ार ब्रश कटर मिलते हैं, लोकल होते हैं। ये देखिए कहीं भी कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए इसके ब्लॉक में कहीं भी नहीं मार्किंग लिखी होंडा कहीं लोगों ने। ये देखिए सिंपल है, यहाँ न ऊपर न कहीं, ओरिजिनल इंजन में मार्किंग होती है। कभी भी जब भी आप देखें ना, तो आप एक चीज का ध्यान दें, जो लोग दूर से जो बताते हैं, लोग बता रहे हैं कि ये ओरिजिनल है, आपको दिखा दिए, इसीलिए दिखाया जाता है। हम लोग बताते हैं कि फ्रॉडियों से बचने के लिए ये बिल्कुल चाइना है, बिल्कुल लोकल। अगर आप ये इंजन लेना चाहते हैं तो हम आपको दे देंगे, पर ओरिजिनल इंजन की बात अलग होती है। ये ओरिजिनल पे अगर आपको कोई कह रहा है ये ओरिजिनल इंजन है और ब्रश कटर ओरिजिनल है, तो आप उससे कहें इसकी मार्क दिखाइए, जैसे इस पर लिखा होंडा ये दिखना चाहिए। इसीलिए हम कंपनी में लोग बैठे हैं, ये बहुत से लोग आज कल बहुत कंपनियां आ चुकी है लोकल वाले, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनके कमेंट पड़े, वो कह रहे हैं जब से लिए हमने चला ही नहीं है। तो ओरिजिनल देखिए इसको देखने में क्या लग रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल दिख रहा है, बिल्कुल होंडा ओरिजिनल। इसी की दिखा दिखा के आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ओरिजिनल की बात अलग होती है। देखिए इसका जो इसका टाइपिट कवर है, हेड कवर है, इसका हेड कवर भी चेंज है। देखिए उसका ब्रदर पाइप देखिए बिल्कुल अलग है, साइलेंसर भी इसका चेंज है, क्योंकि हमारे होंडा में ओरिजिनल में स्टड लगते हैं और यहाँ पर स्टड नहीं लगा, इसमें डायरेक्ट बोल्ट लगे हैं। स्टार्टर भी इसका चेंज होगा, हाँ स्टार्टर दूसरा है इसका, पूरी तरीके से लोकल है। बाकी टंकी भी चेंज है इसका, पाइप भी सब एकदम हाइड क्वालिटी का है। इसीलिए हमें बताया जाए कि ओरिजिनल की पहचान आप लोगों को नहीं कहते भैया मैं 12 हज़ार का मेरे वहाँ मिल रहा है। हम कहते हैं अगर 12 हज़ार मिल रहा है तो मेरे लिए 10-15-20 पे ले लीजिए, भिजवा दीजिए। 12 का आप ले लीजिए, 20-25 का हमको दे दीजिए, हम ले लेंगे। ओरिजिनल की अलग पहचान होती है, ओरिजिनल अलग होता है। बस हर वीडियो में आप लोगों को ये बताया जा रहा है, फिर भी आप लोग कहते हैं नहीं हमारा मिलना तो ले लीजिए हमको। ओरिजिनल लेना हो तो हमको फोन करिए, लोकल लेना है तो जो बेच रहे हैं राजा महाराजा सब बेच रहे हैं, बहुत सी कंपनियां हैं मार्केट में आई, उनसे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ओरिजिनल ब्रश कटर और नकली ब्रश कटर की पहचान, देखिए ये होंडा का ओरिजिनल ब्रश कटर रखा, पहले तो इतने बड़े बॉक्स में आता है, ये 7 फुट का बॉक्स होता है ये, और इसकी पहचान देखिए। पहले तो इसके डंडे की पहचान होती है, स्टेनलेस स्टील का डंडा होता है, और जो लोकल मिलता है आपको सब लोहे का डंडा होता है, स्टेनलेस स्टील का डंडा होता है ये। यहाँ पे होंडा लिखा था, इसका मॉडल नंबर था YK435। आप लोग GX35 होंडा ब्रश कटर बोलते वो नहीं, तो 435 का मॉडल नंबर होता है ये। इसके स्टिकर कैसे ऑपरेट करना है, ये होंडा की बैजिंग होती है, देखिए स्टील की बैजिंग लगी हुई है, इसमें क्या लिखा हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग, देखिए थाई होंडा मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, थाईलैंड में ये मैन्युफैक्चर होता है, मेड इन थाईलैंड, ये इसकी पहचान है। ये बैजिंग होती है, ये स्टिकर ऐसे नॉर्मल नहीं होता, ये देखिए प्लेट लगी हुई पूरी इसमें, इसका मतलब ये थाईलैंड से इम्पोर्ट होता है होंडा का है। ये इसका हैंडल है, ये देखिए तो हार्ड है, कितनी सॉलिड बॉडी है, कितनी हार्ड इसकी बॉडी होती है। ड्यूरेबिलिटी देखिए इसकी, इसकी फिनिशिंग। चलिए अब इसकी इंजन की पहचान करते हैं। बहुत सारे लोग बताएं 12-13 हज़ार में होंडा का ब्रश कटर मिल रहा है, और ये होंडा का ओरिजिनल ब्रश कटर 29,000 का आता है, मेड इन थाईलैंड। और ये देखिए होंडा का इंजन, होंडा GX35 इंजन, ये देखिए यहाँ लिखा GX35, और उसमें लिखा है सिर्फ GX35, इसमें होंडा GX35 लिखा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है थाईलैंड, मेड इन थाईलैंड, थाईलैंड मैन्युफैक्चरिंग होंडा, ठीक है। कवर इसमें भी देखिए होंडा लिखा, और उसमें OHC लिखा हुआ है इसका लोकल वाले में, 4 स्ट्रोक की बैजिंग है, सेम टू सेम ऐसा ही दिख रहा है उसमें, लेकिन यहाँ GX35 लिखा हुआ है, यहाँ होंडा OHC लिखा हुआ है, वही आपको ढक्कन याद लगा के वो आपको लोकल वाला ब्रश कटर दे देना है। और यहाँ देखिए इसका इंजन कैसे पहचान, चलिए ये भी बदल देते हैं वो लोग, अब बताते हैं। यहाँ पे देखिए लिखाते हैं मार्किंग होती है, ये देखिए, ये देखिए इंजन के जो बोर होता है उसका ब्लॉक होता है, ये देखिए इसमें लिखा नहीं होंडा GX35, अगर ये मार्किंग है तो ये ओरिजिनल है, अगर ये मार्किंग नहीं है प्लेन ब्लॉक है जो आपको दिखाया इस वीडियो में, तो फिर वो नकली है। अगर आपको कोई 12-13 हज़ार में दे रहा हो तो नकली ब्रश कटर, होंडा ब्रश कटर की ये पहचान होती है जो हमने आपको बताया, कि बहुत सारे फोन हमारे पास आ रहे हैं कि 12 हज़ार मिल रहा है होंडा का ब्रश कटर, 15 हज़ार मिल रहा है। अटैचमेंट दे कंपनी से भी एक अटैचमेंट देती है, ये ब्लेड देती कंपनी से भी एक अटैचमेंट, टू टीथ ब्लेड देती है बस, चाइनी वो सब नकली ब्रश कटर होते हैं जो आपको टीलर भी दे दे रहे हैं, ग्रास वायर भी दे दे रहे हैं आपको,
ऑटो कट भी दे देने, ये सब कुछ नहीं मिलता। होंडा में सिर्फ आपको टूटी ब्लेड मिलता है, बाकी अलग से अटैचमेंट लेनी पड़ती है आपको। बाकी 1 ईयर की वारंटी भी रहती है इस पे आपकी। और जो नकली वाले ब्रश कटर दिखाते हैं आपको, तो टीलर विडर चल जाता है, और होंडा तो टीलर विडर नहीं चलता, क्योंकि छोटे इंजन होते हैं इसके, आपको धान गेहूँ घास काट सकता है, ये गुड़ाई गुड़ाई नहीं करता। वो सब नकली ब्रश कटर दिखाते हैं, सक्सेस नहीं है ब्रश कटर में, सिर्फ धान गेहूँ घास काट सकता है। स्टार्ट हो गया, सब ओरिजिनल मिलेंगे सारे पार्ट, होंडा देखिए जितने मिलेंगे सब। ये हमारा ब्रश कटर रखा है होंडा का ओरिजिनल, यदि होंडा का इंजन ऑयल भी यूज करते हैं होंडा कंपनी का ही। देखिए इसमें ब्रश कटर बना हुआ है सारे, ये ओरिजिनल है जो इंजन में पड़ते हैं सारे, हमारा होंडा का। आप लोगों को हर बार बताया जाता है, हर बार आप लोग कहते हैं मेरे वहाँ मिल रहा है, मेरे वहाँ मिल रहा है, तो आप ले लीजिए। हमारे पास पूरा डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग हैं, पूरा स्टॉक देख लीजिए, पूरा मेंटेन है। आपको पुराना जनरेटर हो, नया जनरेटर हो, कोई भी पार्ट्स आपको चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, तो मुझे फोन करिए। सारे पार्ट्स आपको पूरे मेंटेन रहते हैं हम लोग के पास, हर चीज़ आपको मिलेगा। जितने भी देखे सारे छोटे छोटे पार्ट्स, बड़े बड़े से जितने भी पार्ट्स हैं, महंगे से महंगे सारे पार्ट्स आपको मिलेंगे। फोर स्टॉक इंजन का सारा मिलेगा, ब्रश कटर का सारा सामान मिलेगा आपको, हर एक चीज़। देखिए 2800 हमारे पास, देखिए कितने सारे मॉडल आ गए हैं। ये सेल्फ स्टार्ट है आपका, विदाउट सेल्फ रखा हुआ है वो सेल्फ स्टार्ट मॉडल है। बाकी 2000 की कैनोपियाँ लगी हुई हैं, पेलिकॉन के जनरेटर, स्पेयर पार्ट सारे होंडा के ओरिजिनल। ये विदाउट, ये सेल्फ स्टार्ट ओपन है, 2800 पार्ट्स यहाँ पे सब रखे हुए हैं, हमारे गोदाम पे भी रखे हुए हैं, हमारे घर में भी सारे पार्ट रखे हैं। ये देखिए पेलिकॉन का जनरेटर, ये 70 होंडा का, सारे मॉडल लगे हुए देख सकते हैं। आपको कोई भी होंडा का जनरेटर चाहिए हो तो मिल जाएगा, ब्रश कटर चाहिए हो, ये नई कंपनी ब्रश कटर है, इसके हमें 3 सेट बेच भी चुके हैं। बाकी पेलिकॉन के जनरेटर भी रखे हुए हैं, आपको सारे जनरेटर लगे हुए हैं। किसी को भी जनरेटर चाहिए हो तो आप हमें कॉल से कर सकते हैं, आपका फ्री डिलीवरी से पहुंच जाएगा। थैंक, देख सकते सारे जनरेटर लगे हुए हैं, किसी को भी चाहिए हो तो आपका फ्री डिलीवरी से आपका पहुंच जाएगा। अगर मेरे वीडियो पसंद, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक।